Hello, good morning students, welcome in my class. In our last video we already discussed about a very short answer type questions, and now today we are going to discuss about long answer type questions. So our first question is, burning of fossil fuels causes pollution. ठीक है, जब भी आप fossil fuel को क्या कर रहे हो, burn कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, pollution एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेज. ठीक है, और अदर हार्मफुल सब्सटेंसेज होते हैं एक्सप्लेन. आपको ये एक्सप्लेन करना है कि कैसे इसमें ये होता है, कि कैसे पॉल्यूशन होता है, कैसे हार्मफुल सब्सटेंसेज जो है वो रिलीज होते हैं यहां से. ठीक है, सो नाउ एज यू कैन सी हियर, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल. ठीक है, जो भी अपने पास मतलब फॉसिल फ्यूल है उनको जैसे ही अपन बर्न कर रहे हैं तो वो अपने लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं. और ये हार्मफुल इफेक्ट जो है वो कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट है इसके लिए. ठीक है, तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. नो नाउ ए कार्बन लाइक ऑल वुड द रिलीज लॉट्स ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स. जैसे ही अपन कार्बन कॉल और इनको क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो इनमें काफी सारे अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं. दीज पार्टिकल्स में एंटर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड कॉज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. ठीक है, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, फिर एयर में इंक्लूड हो जाते हैं, और एयर से आपको पता है अपन ब्रीथिंग करते हैं. ठीक है, तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, एयर में इंक्लूड होने के बाद में ये अपना जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें एंटर कर जाते हैं, और उसमें पता है आपको अगर एंटर करें तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा काफी सारे डिसऑर्डर्स ये क्या करते हैं, कॉज करते हैं. इनकम्प्लीट कॉम्बिशन ऑफ फ्यूल्स रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. ठीक है, और इस टाइप से ये जो फॉसिल फ्यूल्स का इस टाइप से इनकम्प्लीट कॉम्बिशन जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज करता है, विच कैन कॉज सफोकेशन एंड इवन डेथ. जिससे क्या होता है, सफोकेशन भी हो सकता है और इवन डेथ भी हो सकती है. ओके, नाउ कॉम्बिशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर. ठीक है, और इसी टाइप से जो फ्यूल्स हैं उनका कॉम्बिशन होता है तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर में रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड कैन कॉज ग्लोबल वार्मिंग. और जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी उतनी ही ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी. और ग्लोबल वार्मिंग मैंने बताया था आपको क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग का मीन क्या होता है, टेम्परेचर जो है अर्थ का बहुत ज्यादा इंक्रीज होना. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज बर्निंग ऑफ कॉल एंड डीजल प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस विच कैन कॉज सफोकेशन एंड ऑल्सो इट कैन लीड टू एसिड रेन. ठीक है, इसी टाइप से जो कॉल एंड डीजल है जब वो बर्न होते तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है मतलब वो रिलीज करते हैं, और ये क्या करते हैं, सफोकेशन इससे होता है और इससे एसिड रेन भी होती है. ठीक है, एसिड रेन का मतलब जो रेन होती है उसमें एसिड मिक्स हो जाती है. ठीक है, और ये एसिड रेन जो है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, और ये क्रॉप्स बिल्डिंग्स एंड सोइल इन सभी को ये क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव इज Our next question is, explain harmful effect of burning fuels. ठीक है, अभी अपने को मतलब बताना है कि जो मतलब जैसे आप फ्यूल्स को बर्न कर रहे हो. ठीक है, तो फ्यूल्स को बर्न कर जब आप फ्यूल्स को बर्न कर रहे हो तो उसके हार्मफुल इफेक्ट आपको क्या करने हैं, इसके हार्मफुल इफेक्ट आपको बताने हैं. Now, अभी देखो जो अपना सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है, अपने को हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल पूछा है. और अपन ने देखा था कि जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें फॉसिल फ्यूल्स जब अपन बर्न करते हैं तो पॉल्यूशन कौन सा होता है, तो ये भी क्या हो गया, अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो ये हार्मफुल इफेक्ट हो गया. ठीक है, और इसके अलावा अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस इसमें पूछा था. ठीक है, तो ये दोनों जो क्वेश्चन हैं जो अपन ने आंसर फर्स्ट इसमें देखे हैं
वो ही आप आंसर सेकंड में कर सकते हो, ठीक है? तो आप वन आंसर इन दोनों के लिए लर्न कर लेना, ठीक है? नाउ नेक्स्ट वी हैव इज डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है? अभी अपने को क्या बताना है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, उसमें उसके बारे में आपको मतलब डिटेल में बताना है. सो नाउ नाउ दिस इज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है? अब वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, हार्मफुल रेज आती हैं, ठीक है, और मतलब CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इंक्रीज होता है, तो इस टाइप से अपन ने कुछ बात की थी, अभी अपन और अच्छे से उसको समझेंगे. सो द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अदर नेम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का अदर नेम क्या हो गया? ग्लोबल वार्मिंग. अगर ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है, इट मीन्स ग्लोबल वार्मिंग है, वो बढ़ रही है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अदर हार्मफुल गैसेस ट्रैप्ड इन द एटमोस्फियर, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बढ़ती है, और इसके अलावा जो अदर हार्मफुल गैसेज हैं वो क्या हो जाती है, मतलब ट्रैप्ड इन द एटमोस्फियर, वो एटमोस्फियर में ट्रैप हो जाती है, एटमोस्फियर उनको कैच कर लेता है. जैसे अपन ने बात की थी, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, तो फॉसिल फ्यूल्स जितना अपन बर्न करेंगे वो उतनी ज्यादा क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ट्रैप करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ट्रैप करेगा तो वो क्या करेगी, टेम्परेचर बढ़ाएगी, ठीक है? तो इसी टाइप से जो काम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कर रही है वो ही काम क्या कर रहे हैं, अदर जो हार्मफुल गैसेज हैं वो भी सेम काम कर रहे हैं, ठीक है? ओके, नाउ हीट ऑफ द सन पासेस थ्रू दीज गैसेस टू वार्म अप द अर्थ, ठीक है, और इनसे जो अपनी हीट है अर्थ की वो पास नहीं हो पाती, अर्थ के ऊपर ही रुक जाती है, और इस टाइप से अपनी जो अर्थ उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है. दीज गैसेस आर नाउन एज ग्रीन हाउस गैसेस, और इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस भी बोला जाता है. ग्रेजुअली दे राइज द टेम्परेचर एंड कॉज ग्लोबल वार्मिंग, ग्रेजुअली या फिर नॉर्मली आप इनको बोल सकते हो, इन गैसेस का बढ़ना और जो टेम्परेचर है उसका बढ़ना ही क्या हो गया, क्या किसका रीजन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है? Now, next we have is there are several reasons of global warming. ठीक है, अपने पास यहाँ पे काफी सारे reasons है global warming के increase होने के. कौन कौन से हो गए? Like deforestation, excess use of fuels. ठीक है, एक तो देखो deforestation हो रहा है, ठीक है, इट मीन्स प्लांट्स को बहुत ज्यादा कट किया जा रहा है, तो ये भी क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग का रीजन हो गया, क्योंकि अपने को पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को या फिर अदर जो हार्मफुल गैसेज होती है उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनके बदले में अपने को ऑक्सीजन देते हैं. बट अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ये इन हार्मफुल गैसेज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और हमें ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे, ठीक है? तो एक तो डिफोरेस्टेशन हो गया, यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स में भी अपन ने देखा था फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने पर जो मतलब फॉसिल फ्यूल के जो अनबर्नड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करते हैं और अदर गैसेस को भी ट्रैप कर देते हैं. इसी टाइप से इंडस्ट्रियल, देखो टू रीजन अपने देखा, डिफॉरेस्टेशन, फॉसिल मतलब यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, फ्यूल्स का यूज देखा अपने, इंडस्ट्रियल एमिशंस देखा, ठीक है, जितना ज्यादा इंडस्ट्रियल एमिशंस होगा, इंडस्ट्रीज का यूज ज्यादा होगा तो उसमें क्या होगा कि वो भी क्या करेंगे, हार्मफुल गैसेस को ट्रैप करेंगे. यूज ऑफ केमिकल्स एक्सेसिवली, और जितना ज्यादा आप केमिकल्स का यूज करोगे वो क्या करेंगे, हार्मफुल गैसेस को स्प्रेड करेंगे, ठीक है. इवन एवरी डे, दिस इज डे, ठीक है, इसमें वाई नहीं लिखा है, एवरी डे वी कट एंड डिस्ट्रॉय मिलियंस ऑफ ट्रीज विच टेक सेवरल इयर्स फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब हर दिन मतलब मिलियंस ऑफ ट्रीज को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है, और ये ट्रीज क्या करते हैं, जो मतलब काफी सालों तक ये क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, मतलब इनको क्या होता है, जब इनको डेवलप होने के लिए, ग्रो करने के लिए तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और इनको एक दिन में ही काट दिया जाता है, ठीक है. नाउ पेट्रोल डीजल एंड अदर फ्यूल्स रिलीज हार्मफुल गैसेस, पेट्रोल डीजल एंड अदर फ्यूल्स जो भी है अपने, ठीक है, लाइक अगर अपन कार्बन कॉल जो भी है वो सारे क्या होते हैं, हार्मफुल गैसेस को रिलीज करते हैं, विच कैन कॉज ग्लोबल वार्मिंग, और ये सारी चीजें क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है. कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन ग्रीन हाउस गैस
ठीक है। और इसी टाइप से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो अपनी क्या हो गई, मेन ग्रीन हाउस गैस हो गई। इतनी सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड ही इंक्रीज होती है। वी प्रोड्यूस, ओके वेट, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वी प्रोड्यूस इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। ठीक है, और हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एवरी ईयर ये इंक्रीज होती रहती है। एंड वार्म अस अबाउट ग्लोबल वार्मिंग विच इज वेरी हार्मफुल फॉर द लिविंग बींग्स। ठीक है, एवरी ईयर कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है और ये हमें वार्न करती है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ये जितने भी लिविंग बींग्स है, चाहे प्लांट एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स, लार्ज एनिमल्स, इन सभी के लिए ये क्या है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है, ओके, सो नाउ योर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इज कंप्लीटेड and our further exercise we will discuss in our next class. So, thank you.